नमस्कार, मैं स्वान आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरें लाल। आज यानी 14 नवंबर को पूरे देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन बाल दिवस मनाने की खास वजह यह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू जी बच्चों से काफी प्रेम करते थे, यही वजह है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर ही बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आज बाल दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे नेहरू जी से जुड़े वो अनसुने किस्से जो इतिहास के पन्नों में आज भी दबे हुए हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं। भारी सभा में जब बच्चा हो गया था नाराज। जी हाँ, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे हुए थे तो उनके सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया। वो बच्चा अपने हाथों में ऑटोग्राफ की पुस्तिका लेकर आया था और आकर नेहरू जी के सामने रख दिया और कहा कि इसमें साइन कर दीजिए। नेहरू जी बच्चे के इस प्रस्ताव को नकार नहीं सके और उन्होंने इस पर साइन कर पुस्तिका को लौटा दिया। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उस पुस्तिका को देखता है, साइन देखता है, तो वो काफी नाराज हो जाता है। वो कहता है कि इसमें साइन तो कर दिया आपने, लेकिन इसमें तारीख नहीं लिखी है। जिसके बाद मजाकिया अंदाज में, शरारती अंदाज में दिखे नेहरू जी। नेहरू जी ने उस पुस्तिका को वापस लिया और उसमें तारीख लिख दी और तारीख लिखने के बाद लौटा दिया। लेकिन बच्चा इस बार और ज्यादा नाराज हो जाता है। बच्चे का कहना था कि आपने साइन तो अंग्रेजी में किया लेकिन तारीख उर्दू में लिख डाली। तब वे मजाकिया और हंसी मजाक करते हुए कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि आपने साइन तो अंग्रेजी में कहा था इसलिए मैंने अंग्रेजी में साइन कर दिया, लेकिन तारीख आपने उर्दू में कहा इसलिए मैंने उर्दू में तारीख लिख दी। तो ऐसा था नेहरू जी का स्वभाव। जितने गंभीर वो देश के लिए थे उससे कहीं ज्यादा बचपना और शरारती व मजाकिया थे बच्चों के लिए। नेहरू जी का खुद का बचपन था काफी प्रेरणादायक। बात उन दिनों की है जब नेहरू जी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। एक दिन वे स्कूल के जूते को पॉलिश कर रहे थे और इसी दौरान उनके पिता मोतीलाल नेहरू उन्हें पॉलिश करते हुए देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम तुम किसी नौकर से क्यों नहीं करवा लेते। तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे काम के लिए मैं किसी और को क्यों कहूँ, नौकरों को क्यों कहूँ, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे मैं दूसरों से क्यों करवाऊँ। दरअसल नेहरू जी का ये मानना था कि छोटे छोटे काम खुद ही कर लेना चाहिए, जो काम आप कर सकते हैं वो खुद ही कर लेना चाहिए, इसी से ही इंसान आत्मनिर्भर बनता है। नेहरू जी के अनसुने दिलचस्प किस्सों में से एक किस्सा ये भी था कि एक बार नेहरू जी के पिता को बेशकीमती फाउंटेन पेन मिला था, दो फाउंटेन पेन मिला था। तो नेहरू जी ने सोचा कि एक वक्त में दोनों फाउंटेन पेन की जरूरत उनके पिता को नहीं होगी, जिसके बाद एक पेन उन्होंने अपने पास रख लिया। लेकिन जैसे ही उनके पिता मोतीलाल नेहरू को पता चला कि एक पेन गायब है तो वे काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और एक पेन नहीं मिलने पर वे इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए कि जब वही पेन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास से बरामद हुआ तो वे काफी आक्रोशित होकर के उनकी जमकर पिटाई कर दी। ये पिटाई इतनी जमकर की गई कि आखिर में उन्हें दवा पूरे शरीर में लगानी पड़ी। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं अगला किस्सा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चों में साइकिल और वाहन, मोटरसाइकिल, ये सब चीजों को लेकर काफी क्रेज बना रहता है। कई बार वे घर से बिना बताए ही से लेकर बाहर निकल जाते हैं घूमने। लेकिन कुछ इसी तरह का क्रेज नेहरू जी के बचपन में भी था। नेहरू जी एक बार अपने पिता का अरबी घोड़ा लेकर घूमने बाहर निकल गए थे बिना किसी को बताए। सभी काम में व्यस्त थे इसलिए किसी का उन पर ध्यान नहीं गया। लेकिन इसी दौरान कुछ देर बाद नेहरू जी का वो अरबी घोड़ा वापस लौटता है घर अकेला, जिसके बाद देखा गया कि नेहरू जी उस घोड़े पर सवार नहीं थे। चारों तरफ उनकी खोजबीन की गई, सड़कों में खोज की गई। इसी दौरान वे सड़कें में घायल अवस्था में मिले। वे काफी चोटिल नजर आए। वे धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे थे तभी पता चला कि वे घोड़े में सवार होकर जब घूमने निकले थे तो इसी दौरान वे घोड़े से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद वे चोटिल हो गए थे। तो आज हमने आपको सुनाया नेहरू जी से जुड़े वो अनसुने किस्से जो कि इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी आज यानी 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम था, बच्चों का जो लगाव था नेहरू जी से,
उसी को ध्यान में रखते हुए बाल दिवस की घोषणा की गई थी 14 नवंबर को, और हर साल की तरह इस साल भी बाल दिवस मनाया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरें लाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।